स्टूडेंट्स, मैं किंडरगार्टनर स्कूल से और आई भदौरा से आप आज आप लोगों की क्लास वन के सब्जेक्ट कंप्यूटर के चैप्टर वन पढ़ाने वाला हूँ। पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, प्राकृतिक और कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे अगल बगल बहुत सारी वस्तुएं हैं। सम ऑफ देम आर आइदर नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स, जिनमें से कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं और कुछ मैनमेड हैं यानी कृत्रिम वस्तुएं हैं। नेचुरल थिंग्स प्राकृतिक वस्तुएं, द थिंग्स विच आर मेड बाई गॉड आर नोन एज नेचुरल थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जो भगवान द्वारा निर्मित की जाए उसे हम नेचुरल यानी प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। नेचुरल थिंग्स कैन ब्रेथ, प्राकृतिक वस्तुएं सांस लेती हैं। द थिंग्स गिवेन बिलो आर नेचुरल थिंग्स, दिए गए वस्तु नेचुरल वस्तु हैं यानी प्राकृतिक वस्तु हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ट्री है, ट्री मतलब पेड़ होता है। ये मून है स्टूडेंट्स, यानी जिन्हें हम लोग हिंदी में चंदा मामा बोलते हैं। ये सन है, जिन्हें हम सूर्य भगवान बोलते हैं। ये माउंटेन है स्टूडेंट्स, जिन्हें हम पर्वत बोलते हैं और भोजपुरी में पहाड़ भी बोलते हैं। ये बर्ड है स्टूडेंट, इन्हें हम चिड़िया भी बोलते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, मैनमेड थिंग्स, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, और इन्हें हम कृत्रिम वस्तु भी कहते हैं। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर नोन एज मैनमेड थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें हम कृत्रिम वस्तु कहते हैं। मैनमेड थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं कभी सांस नहीं लेती हैं। द थिंग्स गिवन बिलो आर मैनमेड थिंग्स, नीचे दिए गए वस्तु मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। हाउस, हाउस मतलब घर होता है फ्रेंड्स, इसका जिसमें हम लोग रहते हैं उसे हाउस कहते हैं फ्रेंड्स। ड्रिल मशीन, ये एक ऐसी मशीन है स्टूडेंट्स जिन्हें हम दीवार में होल करने के लिए उपयोग करते हैं। सीविंग मशीन यानी स्टूडेंट्स सिलाई मशीन, जिसे हमारी माताएं और हमारी बहनें कपड़ा सिलने के लिए उपयोग करती हैं। ये टेलीफोन है स्टूडेंट्स, जिन्हें हम आज के युग में मोबाइल फोन भी कहते हैं। ये कार है स्टूडेंट्स, जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच कैन मेक आवर वर्क इजियर एंड आल्सो कैन सेव आवर टाइम इज नोन एज मशीन, ऐसे वस्तु जो हमारे कार्य को आसान कर दें और हमारे समय को बचाएं उन्हें हम मशीन कहते हैं यानी यंत्र कहते हैं। सम मशीन्स कैन आल्सो हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ मशीनें हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करती हैं, जैसे कि कार है, बाइक है, ये सारी मशीनें हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं स्टूडेंट्स। वाइल सम प्रोवाइड अस कंफर्ट एंड एंटरटेनमेंट, और कुछ मशीनें हमें आराम और मनोरंजन देती हैं, जैसे कि हमें आराम देने वाली देती हैं। ऑल मशीन्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन, सभी मशीनों में एक सामान्य बात होती है, जो कि पहली बात, मशीन्स वर्क फास्टेस्ट, मशीन कार्य तेजी से करती हैं। मशीन सेव्स आवर टाइम, मशीन हमारे समय को बचाती हैं। मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, मशीन्स कभी अपने से कार्य नहीं करती हैं। मशीन्स मेक आवर वर्क इजी, मशीन्स हमारे कार्य को आसान कर देती हैं। मशीन इज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स विद्युत यानी बिजली पे कार्य करती हैं।
आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर यानी संगणक। लाइक ऑल मशीन्स, सभी मशीन्स की तरह कंप्यूटर इज आल्सो ए मशीन। कंप्यूटर भी एक मशीन है। इट हेल्प्स अस इन मेनी वेज। ये हमें बहुत तरह से मदद करता है। कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। ये एक स्मार्ट मशीन है। कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर कभी गलतियाँ नहीं करता है। कंप्यूटर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर सारी जानकारियों को रखता है। कंप्यूटर कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। कंप्यूटर मैसेज रखता भी है और भेजता भी है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस। कंप्यूटर कैलकुलेशंस भी करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर है। पूरे को कंप्यूटर कहेंगे। ये मॉनिटर है स्टूडेंट्स। ये सीपीयू है स्टूडेंट्स। और ये कीबोर्ड है स्टूडेंट्स। और इसे हम माउस कहते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब एक बार फिर हम लोग लेसन्स को रिवाइज कर लें। सराउंडिंग अस, हमारे अगल बगल। सम थिंग्स आर आइदर नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। कुछ चीजें प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित वस्तुएं हैं। द थिंग्स विच आर मैन मेड बाई नेचर आर नेचुरल थिंग्स। ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। द थिंग्स विच आर मेड बाई मैन आर मैन मेड थिंग्स। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तु कहते हैं या कृत्रिम वस्तु कहते हैं। कंप्यूटर इज ए मशीन विच नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कभी थकता नहीं है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और इसके वर्कशीट के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक से जुटे हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे आपके लिए जो वीडियोस और जो चैप्टर अपलोड हो वो आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।